गोविंदा की लेटेस्ट क्लेम ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जी हां, गोविंदा ने ये क्लेम किया है कि हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने उन्हें फिल्म अवतार के लिए अप्रोच किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब खिल्ली उड़ रही है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा एक लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर है, लेकिन हाल ही में एक शो पर गोविंदा ने कुछ ऐसा कहा जिस पर भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। गोविंदा ने कहा कि हॉलीवुड फिल्ममेकर जेम्स कैमरून ने उन्हें 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार में एक रोल ऑफर किया था। इतना ही नहीं, गोविंदा ने तो ये तक क्लेम कर लिया कि फिल्म का टाइटल अवतार भी उन्होंने ही कैमरून को सजेस्ट किया था। गोविंदा ने अपनी बातों में कहा, कैमरून चाहते थे कि मैं 410 दिनों तक अपनी बॉडी पर पेंट लगाकर उनके लिए शूट करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। खैर, गोविंदा ने ये तो नहीं बताया कि आखिर उन्हें कौन सा रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उनकी बातों से ये लग रहा है कि उन्हें सैम वर्थिंगटन का रोल ऑफर किया गया था। अब जैसे ही गोविंदा ने ये क्लेम्स किए, सोशल मीडिया पर उनकी खूब खिल्ली उड़ रही है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि वो सार्कास्टिक हो रहे हैं, तो कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि गोविंदा ने हमेशा की तरह अपने ही अंदाज में इस पूरी बात पर मजाक किया था। लेकिन अब जो भी हो, अब गोविंदा की बातों की जगह सोशल मीडिया पर उनका मजाक बन रहा है। इस पर क्या कहना है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।